हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की पबजी की राइटिंग करेंगे। इसके लिए हम इस बैकग्राउंड बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे ड्रॉ टूल में। फ्रेंड्स, इस तरह इसके बाद ड्रॉ में आने के बाद इसमें ऐड फोटो, ऐसे तो हम एम्प्टी लेयर क्रिएट करते हैं, लेकिन इस वाले फोटो के लिए मैं फोटो लेयर क्रिएट करूँगा, क्योंकि PNGs को मैंने इस तरह सेट कर रखा है कि जिस तरह हम फोटो लेयर ऐड करेंगे तो वो अपने परफेक्ट जगह पे आराम से बैठ जाएंगे। सिर्फ हमें अपने मॉडल को ही सेट करना पड़ेगा, बाकी सब अपने आप सेट हो जाएगा। तो मैं फटाफट सारी PNGs को ऐड कर लूँगा, फोटो लेयर ऐड फोटो लेयर करके। आप भी इस तरह कर लेना। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे अन्य अदर वीडियोज़ को भी जाके चेक कर लें। एडिटिंग के अन्य और कॉन्सेप्ट के लिए फ्रेंड्स, एक लिमिट के बाद इसमें लेयर और ऐड करने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए, अभी तो मैं कर सकता हूँ। इसके बाद इसके ऊपर ये ऐड लेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम इनकी लेयर को मर्ज कर लेंगे। जैसे कि अब हम इस फोटो और इसको ऊपर से इसको मर्ज करेंगे, साथ में इस लेयर के ऊपर क्लिक करके इसे मर्ज कर लेंगे, सेव कर लेंगे। इसके बाद फिर से फोटो लेयर पर क्लिक करेंगे। इस टेक्स्ट की ओपेसिटी को हम कर देंगे 60 के आसपास। इसके बाद फिर फोटो लेयर, इसके बाद मॉडल को ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा इस फोटो का एडिटिंग में मेन जो रियल काम है वो स्टार्ट हुआ, जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो गन है और जो ये पबजी मैन है, ये हमारे ड्रॉप के पीछे छुप गया था, इसे हमें आगे लेके आना होगा। तो इसके लिए हम करेंगे लेयर्स को, हम करेंगे ड्रॉप वाले लेयर को सिलेक्ट और इसको ले जाएंगे सबसे नीचे बैकग्राउंड से ऊपर, और वैसे सबसे नीचे, जैसे कि ड्रॉप सबके पीछे चले जाएगा। अब ये देखिए, ये हो गया अच्छे से सेट। अब इसके बाद गन, तो हमें जो हमारी गन वाली लेयर है इसको हम लेके आएंगे ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे और इसे हम ऊपर ले आएंगे। ये देखिए, इस तरह धीरे धीरे सारे सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद ये पेन के ऊपर जो हमारा टेक्स्ट आएगा, इससे भी हम ऊपर लेके आएंगे।
इसके बाद हम यहाँ पे एक एमपीटी फोटो लेयर और बनाएंगे, उसमें हमारा पेन का पीएनजी, देखिए ये है, इसे हम ऐड कर देंगे। और इसे ऊपर से जो हमारे मॉडल के ऊपर वाले लेयर है इसके अंदर हम ले जाएंगे, और इसे थोड़ा इरेज करना होगा, ये देखिए फ्रेंड्स, ताकि हाथ में अच्छे से फिट हो जाए। ये देखिए, इसके बाद इस लेयर को हम कर देंगे मर्ज। इसके बाद फिर एमपीटी लेयर बनाए, फोटो लेयर लेंगे, और फोटो लेयर में ये बेल्ट इसको ले कर देंगे। अब इसे भी हमें थोड़ा थोड़ा सा रेज करना होगा, ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे रेजर पे क्लिक करके आराम से रेज कर देंगे। और इसे भी नीचे लेके आएंगे और इसे भी मर्ज कर देंगे। इसके बाद फिर फोटो लेयर और ये वाला पीएनजी लेंगे, हम फ्रेंड्स इसे भी थोड़ा इरेज करना है, तो इसलिए हम इसके ओपोजिट वो कर देंगे पहले, कम 28 के आसपास। उसके बाद जहाँ से हमें इसे इरेज करना है उससे हमें इरेज कर लेंगे, ये ले, ये देखिए। यहाँ से हम इसे इरेज कर लेंगे, यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे रेड करेंगे, ये हो गया। फिर इसके बाद हम इसके ओपोसिटिव कर देंगे वापस फुल, ये देखिए जितने से सेट हो गया। इसके बाद इसे भी हम मर्ज कर देंगे, इसे नीचे वाले लेयर को मर्ज कर देंगे, इसे भी। इसके बाद फिर हम फोटो लेयर लेंगे और कुछ छोटे मोटे पीएनजी जो बाकी रह गए, जैसे ये रहा, इसे हम ऐड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमारी फोटो पूरी अच्छे से हो गई, हम ऑल लेयर्स को मर्ज कर लेंगे। और इसके बाद थ्री डॉट्स पे क्लिक करके फोटो कर देंगे सेव। इसके बाद हम ओपन करेंगे अपनी लाइट रूम, ओपन हो गई। अब इसमें हम ऐड फोटो करेंगे, इस फोटो का कर लेंगे ऐड। इसे ओपन करेंगे, अब इसकी सेटिंग्स सेट करते हैं, ऑटो पे क्लिक कर देते हैं एक बार। उसके बाद एक्सपोजर को थोड़ा कम, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे, हाइलाइट्स को 23 के आसपास और शेडोज को -23, व्हाइट्स को कर देंगे -10 के आसपास और ब्लैक को -28, सेचुरेशन को +4, नहीं +10, और टेम्परेचर को +4। उसके बाद जाएंगे मिक्स में, ऑरेंज कलर की सेचुरेशन को कर देंगे -16 और लुमिनेंस कर देंगे 10। येलो कलर की सेचुरेशन को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले, जैसा हमें अच्छा लगे। तो मैं इसके व्यू को कर देता हूँ 50 और सेचुरेशन कर देता हूँ 6 और लुमिनेंस को भी 6 कर देता हूँ। इसके बाद ग्रीन कलर की सेचुरेशन हल्का सा बढ़ाएंगे, ये सियोन कलर की सेचुरेशन बिल्कुल 0, ये ब्लू कलर की सेचुरेशन को भी हम 0 कर देंगे, क्योंकि वो हमारे मॉडल के पेंट में आ रहा है तो उतना हाईलाइट अच्छा नहीं लग रहा। इसके बाद हम जाएंगे टेक्सचर में, टेक्सचर को इफेक्ट्स में जाके टेक्सचर को कर देंगे 10
प्लेयर को 6, डीएच को 6 नहीं 8, और विकेट को कर देंगे -20 के आसपास, फेदरर को कर देंगे 60 के आसपास। इसके बाद डिटेल्स में शार्पनिंग ऐड करेंगे थोड़ी, शार्पनिंग को कर देंगे हम 20, नॉइस रिडक्शन को कर देंगे 9, कलर नॉइस रिडक्शन को भी 9, और स्मूथनेस को कर देंगे हम 30। तो ये देखिए बिफोर आफ्टर ये लुक अच्छा लग रहा है। इसके बाद और फोटो सेव कर देंगे। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।